टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार डेली डी एडमिशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर यहाँ पर किनका किनका सरकारी कॉलेज में नाम आया। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ कि जिनका भी सरकारी कॉलेज में नाम आएगा उनके लिए यह स्पेशल वीडियो है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है ना, एडमिशन कराते समय। क्योंकि आपको एडमिशन करते समय किसी भी प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो फिर आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो सीट खाली रह जाएगा उसके जगह पर सेकेंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट से पूर्ति किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स के कारण बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ आप लोगों का ये भी कमेंट था कि 2 साल जब हम लोग डीएलएड कोर्स करेंगे तो उसमें मतलब टोटल कितने खर्चा गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स और खर्च और मेरिट लिस्ट कब आएगी और एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और मेरे चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमेशा आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ टाइपिंग करके रखा हूँ, जो जो डॉक्यूमेंट्स जब हम लोग एडमिशन कराए थे गवर्नमेंट कॉलेज में, जब हम मेरा एडमिशन हुआ था तो उस समय क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स लगा था वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है ना, जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे तो उस समय का जो रिसीविंग होगा मतलब हार्ड कॉपी होगा वो लगेगा ही, और पेमेंट जो किए थे जैसे कि 750 रुपया का या 950 का जो पेमेंट था 960 का वो लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम देने गए थे और रैंक कार्ड जो आया है वो रैंक कार्ड लगेगा आपको, फिर काउंसलिंग करवाए हैं वो वाला, काउंसलिंग में जो पेमेंट किए हैं वो रिसिप्ट, और आपको जो यहाँ पर काउंसलिंग जब करवाया है, जब गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाएगा तो उसका इंटीमेशन लेटर आता है कि आपको किस कॉलेज में नाम आया, उस पर कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, वो इंटीमेशन लेटर। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही लगेगा। उसके साथ साथ ये लगेगा, देखिएगा, 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है ना, 10th का मार्कशीट और 10th का मूल प्रमाण पत्र, ये बात याद रखिएगा, वो 12th का मार्कशीट और 12th का मूल प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ CLC, जी हाँ फ्रेंड, CLC जो कॉलेज से मिलता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर वो लगेगा। उसके बाद में सिंपली नीचे आते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है आपको, मतलब किसी भी गवर्नमेंट मतलब डॉक्टर से आपको यहाँ पर वेरीफाइड करवाना होगा कि हाँ आप फिट है, आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, तो वो आपको सरकारी हॉस्पिटल द्वारा बन जाता है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे आधार कार्ड या वोटर कार्ड या पैन कार्ड आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना, उसका जीरोक्स। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, सभी का दो दो जीरोक्स लगेगा, दो दो सेट बनाना होगा। फोटो कॉपी ऑनलाइन अप्लीकेशन एंड अप्लीकेशन फीस रिसिप्ट, मैंने पहले ही बताया था कि ऑनलाइन अप्लीकेशन और फी रिसिप्ट लगेगा ही लगेगा। CLC लगेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये लगेगा ही लगेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिलता है, ठीक है ना, ऑनलाइन अप्लीकेशन एंड अप्लीकेशन फी रिसिप्ट, तो ये अभी से तैयारी कर लो, ये वाला लगेगा ही लगेगा। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमेशा लगेगा ही, लगता ही लगता है, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आप हैंडीकैप्ड से फॉर्म फिलअप किए हो, आप विकलांग हो, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं किए हो, वो विकलांग नहीं हो, ठीक है ना, नॉर्मल हो, तो आपको वहाँ पर नहीं लगेगा। जो हैंडीकैप्ड का मतलब प्रेफरेंस उसका लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए है कि उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर फॉर्म फिलअप करते समय आपने डाला है कि हाँ मैंने ग्रेजुएट भी है, हम ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब जाति, आवासीय और आय, ये तीनों सर्टिफिकेट लगता है, जातीय और आवासीय और आय, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको लगेगा ही लगेगा, इसलिए आप बना लीजिए करेंट 6 महीना के अंदर का, ठीक है ना। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा 5 पीस, ठीक है ना, 5 को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, क्योंकि आई कार्ड बहुत सारे वगैरह वगैरह उस पर चिपकाना पड़ता है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा ही लगेगा फ्रेंड्स। तो आपको जो है यहाँ पर ये सारी डॉक्यूमेंट्स को तैयारी कर लेना और दो दो फोटो कॉपी करवा लेना, क्योंकि 2 सेट वहाँ पर लगता है। अब मैं बात करूँ फ्रेंड्स आपका मतलब यहाँ पर फी स्ट्रक्चर का, कि 2 साल में आपको कुल कितना रुपया लग जाएगा। तो आप समझिए कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाती है तो आपको बहुत ही बढ़िया है, प्राइवेट कॉलेज से बहुत ही कम खर्चा में आप यहाँ पर डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 साल में 20,000 रुपये आपको मात्रम लगती है। फर्स्ट ईयर में आपको लगेगी 12,500 और 11,500, सॉरी, फर्स्ट ईयर में आपको 11,500 रुपये लगेगी अगर जनरल OBC से हो तो, ठीक है ना। और सेकेंड ईयर में आपको 8,500, मतलब इस तरीके से 20,000 रुपया लगता है जनरल OBC वालों के लिए। अब बाकी जो बच गए SC ST उनको कम ही लगता है, मतलब 14,000 की 18,000 के करीब में 18,000 लगता है, ठीक है ना।
तो इस तरीका से आपका फी स्ट्रक्चर है। और आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो वो पैसा भी आपका रिटर्न हो जाता है पूरा के पूरा। तो ये था आपका फुल स्ट्रक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अभी भी किसी प्रकार का डाउट बच गया हो तो कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।